डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट सेकंड का मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, इसका नामेनक्लेचर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की जो विधियां हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में फर्स्ट में हमने जो एल्कोहल्स होते हैं उन एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों की हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, यानी जब हाइड्रोकार्बन यानी जैसे एल्केन है उसका एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके वो समूह जोड़ दिया जाए तो बनने वाले यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन में दो अलग अलग क्लासिफाइड किया था इसको, एक तो वेस्ट जो समूह है उनकी संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, और दूसरा OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी प्रकृति के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के अंदर क्लासिफाइड किया था। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कल हमने पढ़ा था कि ऐसे एल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु को एक OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर ऑनली एक OH समूह उपस्थित होता है तो इस प्रकार के एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के अंदर जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। अब हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो नामकरण जो है वो तीन अलग अलग पद्धति, सबसे पहले बात करें तो कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति के अंदर, और उसके बाद में रोड पद्धति डायरेक्ट सिस्टम, और तीसरा IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम के अंदर जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले एल्केन का नाम लिखा जाएगा और पीछे एल्कोहल वर्ड सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। जैसे बात करें फॉर एग्जांपल CH3OH पहले एल्केन, एल्केन जो है CH3 यानी मैथिल समूह है तो मैथिल एल्कोहल। ऐसे प्रकार से CH3CH2OH, अब यहां पर आप देख रहे हैं एथिल ग्रुप और OH समूह है तो इसको हम कहेंगे एथिल एल्कोहल। इस प्रकार से प्रोपिल एल्कोहल है, ब्यूटिल एल्कोहल है। तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम के अंदर जो एल्केन है उसका कौन सा समूह एल्काइल समूह है उसका नाम लिखा जाएगा और उसके पीछे सफिक्स के अंदर एल्कोहल वर्ड लिखा जाता है। डायराइड सिस्टम की बात करें तो डायराइड सिस्टम के अंदर व्युत्पन्न पद्धति के अंदर
यहाँ रूट पद्धति के अंदर जब एल्कोहल का नामकरण किया जाता है तो यहां पर CH3OH को कार्बिनोल कहा जाता है। जो CH3OH मेथेनॉल है इसे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बिनोल कहा जाएगा। अब इस के अंदर अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसकी जगह मैथिल समूह जुड़ा हुआ है CH3 CH2 OH, तो इससे हम मैथिल कार्बिनोल का मैथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार से C2H5 समूह जुड़ा हुआ है तो इसे एथिल कार्बिनोल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो व्युत्पन्न पद्धति है, डेराइव्ड सिस्टम है, उसके अंदर CH3OH समूह को कार्बोनिल कहा जाएगा और इस CH3 से अदर जो एल्काइल समूह है तो उसका नाम लिखकर के फिर अंत में कार्बिनोल वर्ड लिखा जाएगा। जैसे मैथिल कार्बिनोल है, एथिल कार्बिनोल है, प्रोपिल कार्बिनोल है, इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें IUPAC सिस्टम की, तो IUPAC सिस्टम के अंदर जब एल्कोहल का नामकरण किया जाता है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद में नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करेंगे जिधर से OH समूह नजदीक स्थित हो, और OH समूह के लिए सफिक्स में अनुलग्न के रूप में एल्केन के साथ में और वर्ड जोड़ा जाता है। तो IUPAC सिस्टम के अंदर एल्केन का ई हटा करके उसके जगह ऑल वर्ड लिखते हैं, इसलिए इसको एल्केनॉल कहा जाता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH एक ही कार्बन है, मैथेन से मेथेनॉल। इसी प्रकार से CH3 CH2 OH दो कार्बन युक्त, एथेन से एथेनॉल, CH3 CH OH CH3। यहां पर OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो प्रोपेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको प्रॉप टू ऑल भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से CH3 CH CH3 OH, अब यहां पर भी हम नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। अब दूसरे कार्बन पर आप देखें OH भी है, मैथिल प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ा हुआ है, तो 2-methyl टू प्रोपेनॉल। इस प्रकार से हम IUPAC सिस्टम के अंदर सबसे पहले अगर लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त यौगिक है तो नंबरिंग करेंगे,
और नामांकन उस सिरे से किया जाएगा जिधर से OH समूह नजदीक स्थित होता है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH, CH3। यहां आप देख रहे हैं चार कार्बन युक्त। अब नंबरिंग जिस कार्बन से कर रहे हैं, जिधर से OH समूह नजदीक है, इधर से 1, 2, 3 कार्बन पर OH है, इधर से 1 दूसरे कार्बन पर OH समूह है, तो नंबरिंग हम 1, 2, 3 और 4 इस साइड से की जाएगी। अब दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, चार कार्बन है, तो ब्यूटोनॉल, यहां फिर से ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल का आ जाएगा। अगर कोई अदर प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं तो उसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, जो पहले अल्फाबेट ऑर्डर में आएगा उसका नामकरण पहले किया जाएगा, उसके बाद में फिर इस प्रकार से हम किसी भी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका नामकरण कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल जिसमें एक OCH3 प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, एक CH जुड़ा हुआ है, एक NH2। अब हम सबसे पहले तो इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम उस कार्बन सिरे से शुरू करेंगे जिससे जिसके अंतर्गत OH समूह नजदीक स्थित हो। तो यहां से देखिए फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ही है, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कार्बन पर आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 7, और दूसरे कार्बन पर ही OH समूह उपस्थित है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथे कार्बन से मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, फिफ्थ कार्बन से क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, और छठे कार्बन से NH2 एमिनो समूह जुड़ा हुआ है। तो अब इसका नामकरण करेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जैसे पहले एमीन में A, क्लोरो में C, मेथॉक्सी में M, तो सबसे पहले 6-एमिनो, 5-क्लोरो, 4-मेथॉक्सी, 7-कार्बोनिल, 2-हेप्टेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनकी स्थिति को दर्शाते हुए जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे 6-एमिनो, 5-क्लोरो, 4-मेथॉक्सी, 7-कार्बन युक्त दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 2-हेप्टेनॉल हो जाएगा। इस प्रकार से जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनका हम नामकरण IUPAC सिस्टम के अंदर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें प्रिपरेशन, किस तरह से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का संश्लेषण किया जाएगा, तो देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि के अंदर फर्स्ट जो मेथड है वो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड है यानी एल्डिहाइड और कीटोन, इनके अपचयन से एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है कैटालिटिक, उसके अंदर रिडक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिकों का उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण से। जब कार्बोनिल कंपाउंड RCH जो है इनका उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण यानी निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड की अपचयन से यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ये जो हाइड्रोजन परमाणु, ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन H2 गैस फॉर्म में होती है, जो इन धातु उत्प्रेरक द्वारा पहले अपनी सत्ता पर अधिशोषित की जाती है, फिर ये धातु
एल्डिहाइड के साथ में एक एक हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके RCH2OH बना दे। जैसे एसिड एल्डिहाइड CH3CHO H2 के साथ इन कैटालिस्ट की उपस्थिति में CH3CH2OH एथेनॉल बनता है। ऐसे प्रकार से कीटोन जो है RC डबल बॉन्ड OR, इस कीटोन का कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन यानी निकल प्लेटिनम या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके RCHOHR 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। एडिएट के कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन के कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम निकल प्लेटिनम या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो CH3 CH OH CH3 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन निकल प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। देखिए दूसरा है मेटल सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन धातु विलायक संयोजन। इसके अंतर्गत सोडियम धातु और एथेनॉल विलायक को यदि हम इनर्ट सॉल्वेंट अक्रिय विलायक टॉलन या ऑर्थोजाइलिन में तो इस निष्क्रिय विलायक टॉलुइन या जाइलिन में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से अभिक्रिया करवाने पर इनका अपचयन होकर के एल्कोहल बनता है, इसलिए बुओ ब्लांक अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार सवाल एग्जाम में पूछा है कि बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है, तो इसमें सोडियम धातु और एथेनॉल को यदि हम निष्क्रिय विलायक टॉलुइन या जाइलिन में एल्डिहाइड है कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एस्टर है से अभिक्रिया करवाने पर इनका अपचयन होकर के क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, से बुओ ब्लांक अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए इसमें जैसे एल्डिहाइड है RCHO, इस एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं सोडियम धातु और एथेनॉल साथ में टॉलुइन C6H5CH3। तो एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके RCH2OH एल्कोहल बना देगा। इसी प्रकार से कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR 2H, सोडियम धातु एथेनॉल और टॉलुइन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके RCHOHR 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH इनका अपचयन करवाते हैं तो इसमें भी RCH2OH एल्कोहल बनेगा प्लस H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। 4H है कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके RCH2OH और दो हाइड्रोजन परमाणु एक हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ जुड़ करके H2O बना देगा। इसी प्रकार से एस्टर जो है RCOOR-
इनका आप चेंज करवाते हैं तो इसमें भी R CH2OH प्लस R डैश OH। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इनके अपचेंज से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल का संश्लेषण होता है। तो इससे हम वुओब्लॉन्ग अपचेंज अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट कुछ और जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।